हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल न्यूज। तो गाइस, आपने मेरा टाइटल तो पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, पर अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको काफी ज्यादा सरप्राइज मिलेंगे। और मेरी वीडियो की एंडिंग में हमेशा की तरह काफी सारे कमाल के अपडेट हैं और देन कुछ सरप्राइजिंग अपडेट भी है। तो पहले ये बताओ कि कौन रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी कि आयरन मैन का फैन इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि पहली सी वार्निंग देना चाहूंगा, इस अपडेट को जानने के बाद आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो और कुछ तो बेहोश भी हो जाएंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा नोट, अगर आप सोच रहे हो कि कोरोना वायरस के चलते आपको कोई भी अपडेट पता नहीं चल रहा है, तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले आइकन पे बटन दबाएं जिससे कि आपको सारी अपडेट पता चल जाए, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो करें जिससे कि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट पता चले। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी चीज, आज हमारा कोलैब आ चुका है, तो पीजे एक्सप्लेन चैनल यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, वीडियो काफी कमाल का है। और देन सभी ने सोशल मैसेज देने की कोशिश करी है जिससे कि आप लोग भी कोरोना वायरस से बच सकें। तो गाइस वीडियो को पूरा देखो, काफी ज्यादा मजा आने वाला, और थोड़ा चला के भी दिखा देता हूँ कैसा है। आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करी जाए तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और इस अनोखे से क्वेस्ट में मुझे ज्वाइन करने वाले हैं 12 और ऑसम क्रिएटर्स। और इस तो गाइस ज्यादा नहीं चला सकता, कहीं ऐसा ना हो पीजे एक्सप्लेन मुझको ही गालियां देके फिर इस पे कॉपीराइट मारे। तो अभी फिलहाल के लिए रोके और सबसे पहले सरप्राइजिंग अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो फाइनली जोकर रिलीज होने वाली है 20 अप्रैल को Amazon प्राइम वीडियो पर, बट उसी के साथ मैंने ऊपर छोटा सा अपडेट और दिया है कि ये मूवी सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश सबटाइटल के साथ रिलीज होगी Amazon प्राइम पर। तो 20 अप्रैल को रिलीज हो रही है, और अभी हिंदी का अपडेट ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हो कोरोना वायरस चल रहा है तो पोस्टपोन पड़ी हुई है, सारी कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, काम थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है कंपनी के लिए। तो फिलहाल उनके पास जो ऑप्शन था उन्होंने जोकर को उसी ऑप्शन में रिलीज करने की कोशिश करी है, और देन जैसी कोई हिंदी का अपडेट आता है तो आपको बता दूंगा। देन उसके बाद दूसरा अपडेट है, फाइनली द सिम्पसंस के ऑल सीजन आ चुके हैं, वो भी इंग्लिश में, यानी कि 31 सीजन आपको देखने को मिलेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और डॉक्टर डूलिटल के फैंस आपके लिए एक और कुछ खबरी है कि फाइनली हिंदी में आईट्यून्स इंडिया पे ये मूवी आ चुकी है, तो जाके देखो अगर आप पर आईफोन है या आईट्यून्स इंडिया की सर्विसेज हैं, तो गाइस जाके मजे लो। अब बात करते हैं खतरनाक अपडेट के बारे में। सुबह से मैं इसके लिए पागल हो रहा हूँ और सोचा कि कब वीडियो बनाऊँ। तो फाइनली थॉर डायरेक्टर जो कि ऑनलाइन आए थे, उन्होंने काफ़ी सारे अपडेट दिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, बट ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी कि आयरन मैन की भी स्क्रिप्ट रिवील्ड कर दी। जी हाँ गाइस, और रिवील्ड करा थॉर और टोनी के बीच में कन्वर्सेशन। और गाइस आप यकीन नहीं मानोगे उस स्क्रिप्ट में कौन कौन रिटर्न हो रहा है, रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी कि आयरन मैन, स्कारलेट जॉनसन यानी कि ब्लैक विडो, जोस ब्रोलिन यानी कि थैनोस, और भी सारे एवेंजर्स के कैरेक्टर रिटर्न होंगे, और आने वाली फ्यूचर मार्वल फेज 4 में, यानी कि भरपूर बकचोदी होने वाली है गाइस आने वाले टाइम में। और कौन कह रहा था कि भाई एवेंजर एंड गेम के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, हम यूट्यूबर्स के पास काम नहीं है, भाई काम तो अब बढ़ा है एक्चुअल में। देखो यार फाइनली मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब बात करते हैं कन्वर्सेशन के बारे में। तो फाइनली कन्वर्सेशन ये है स्क्रिप्ट में जो कि उन्होंने लाइव स्ट्रीम पर रिवील्ड करी। तो सबसे पहले थॉर पूछता है टोनी से कि भाई तुम कहाँ कैसे, तो टोनी बोलता है भाई यार मैं तो मजे में हूँ, व्हाट्सअप तुम बताओ कैसे हो। तो थॉर कहता है कि तुम वापस कैसे आए, तो टोनी कहता है अबे तुम चूतिया बेबी, मतलब इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ बस। तो थॉर कहता है फिर कि मैंने तुम्हें देखा था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मरते हुए, मैंने तो तुम्हें मरते हुए देखा था। तो टोनी कहता है साइंस बेबी, और थैनोस वापस आ रहा है। थॉर बोलता है नहीं, फिर हमें दोबारा से एक साथ होना पड़ेगा, असेंबल अगेन। तो टोनी बोलता है अगेन अगेन अगेन, और एवरी कैरेक्टर रिटर्न। तो गाइस ये है वो स्क्रिप्ट जो कि लाइव रिवील्ड करी थी थॉर के डायरेक्टर ने, और तो और ये रहे वो स्क्रीनशॉट्स और ऊपर इसका क्लियरली ट्रांसलेट, और मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो टोनी ने और थॉर के बीच में क्या बात हुई। और गाइस अगर आपको कोई भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछना, पर मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर थॉनेस वापस आ रहा है तो भाई जलवा होने वाला, और इससे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि एवेंजर्स 5 आएगी, पर एवेंजर 5 का और कोई विलन होगा, थैनोस नहीं होगा, पर थैनोस कहीं ना कहीं उंगली करेगा और किसी को भड़काएगा जिससे कि वो सारे एवेंजर्स से जो नया विलन होगा वो लड़ेगा। तो गाइस बहुत पंगा होने वाला है फेज 4 में। और उसी के साथ अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। तो पैरामाउंट की एक नई पिक्चर आ रही थी इन्फिनिटी, उसे डिले कर दिया है, रीज़न कोरोना वायरस। और देन स्पंजबॉब जो नई मूवी आने वाली है इसको भी डिले कर दिया, ये मूवी पहले जुलाई में रिलीज होने वाली थी इस साल, पर अब ये रिलीज होगी अगस्त के महीने में। उसी के साथ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का न्यू कॉन्सेप्ट पार्ट फुल एचडी में अगर आपको डाउनलोड करना है तो ट्विटर अकाउंट पे जाओ डाउनलोड करो। उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर कन्फर्म हो चुके हैं सैम रेमी, जिन्होंने स्पाइडरमैन 1-2-3 डायरेक्ट करी थी पुरानी वाली, तो फाइनली वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए पूरी बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने पहली सुपर हीरो मूवी बनाई वो भी सुपर हिट गई। देन उसी के साथ
वंडर वुमन का ऑफिशियली नया लुक लॉन्च हुआ है, जिसमें कि हमें वंडर वुमन के विलेन नजर आ रहे हैं जिन्हें वंडर वुमन ने अपने वेपन से पकड़ रखा है। देन उसी के साथ डून के नए लुक नजर आए, जिसमें कि ज़ेंडा ने अपना खुद ही पर्सनल अकाउंट पे एक लुक लॉन्च करा था, और नीली आंखें, नया सूट, खतरनाक लग रही है, और ये मूवी में मॉन्स्टर होने वाला बहुत बड़ा, और भी काफी सारे लोग, तो गाइस जरूर देखना। और देन उसी के साथ मेरा फेवरेट अपडेट आज का, तो एक्स्ट्रा एक्शन जो 24 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, उसमें हमें करीब 12 मिनट का एक्शन देखने को मिलेगा। और 12 मिनट का क्यों मैं खुश हूँ, 12 मिनट के लिए भले टाइम बहुत कम है, 12 मिनट का टोटल इंडिया का होगा एक्स्ट्रा एक्शन। जी हाँ, धमाकेदार लड़ाई, हेलीकॉप्टर फाइट सीन, बंदूकें, और देन यूएस की पुलिस गाड़ियां, काफी सारी चीजें देखेगी 12 मिनट, वो भी सब इंडिया की। तो गाइस मजा आने वाला है। तो गाइस ये थे वो सारे काफी कमाल के अपडेट, और देन उसी के साथ आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटिव पूछना हो तो गाइस पूछ लेना, और देन इंस्टाग्राम पे आओ, बात करते हैं कुछ भी रिलेटिव हो। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।